हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पार्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहली स्लाइड में डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन और क्रॉस प्रोडक्ट रूल समझेंगे। यहाँ पर जो हमें डेफिनेशन गिवन है, इसमें लिखा है एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दैट मीन्स अगर हम दो रेशियो लेते हैं और उनको इक्वेट कर दें, इक्वल टू रख दें, तो हमें जो मिलेगा वो प्रोपोर्शन होगा। सो ए इज टू बी और सी इज टू डी हमने इक्वेट कर दिया है, तो इस पूरे को हम प्रोपोर्शन कहते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। और यहाँ पर इक्वल टू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो कॉलन साइन से, तो हम लिख सकते हैं ए इज टू बी विद टू कॉलन साइन इज सी इज टू डी। यहाँ पर बी और सी जो है ये क्या है, हमारा मीन्स है, और ए और डी क्या है, एक्सट्रीम्स है। सो बी सी मीन्स हुआ और ए डी एक्सट्रीम्स हुआ। अब अगर इस को हम देखें और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है ए इंटू डी और बी इंटू सी। सो ए और डी क्या है, एक्सट्रीम्स, बी और सी क्या है, मींस। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ मींस। यहां पर मैंने लिखा है प्रोडक्ट्स ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स विच इज सेम। सो इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। सो नाउ इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, दैट मीन्स A upon B is equal to C upon D, which can be written as A into D is equal to B into C according to cross product rule. Now in the next slide हम समझते हैं continued proportion क्या होता है। According to continued proportion, if we have three numbers A, B and C और हम कहते हैं कि वो continued proportion में है, then they will be in continued proportion if and only if, this is called if and only if, when the ratio of the A to B is equal to B to C. That means यहाँ पर जो तीन numbers हैं इसमें ये middle वाला repeat होगा और हम लिखेंगे A by B is equal to B by C, अगर ये continued proportion में है। इसी में अगर ये ए बी सी को हम लें जो कि कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो ए हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा, सी थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगा और बी मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस कि इन क्वेश्चंस में हमारा वर्किंग रूल क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पिक कर रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 3 है, बुक एम एल अग्रवाल, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 7.2। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं पिक कर रहा हूँ दो पार्ट्स, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4। इसमें हमें निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। सो उसके लिए पहले सपोज कर लेते हैं, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स दोनों केस में। यहाँ पर जो दो नंबर दिए हैं वो है 5, 10 और यहाँ पर दिया है 5, 1/4, दैट मीन्स 21/4 एंड 7। अब यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो पहले हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं इस केस में 5, 10 एंड x। और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी कहती है 5/10 इज इक्वल टू 10/x। यहाँ पर मिडिल नंबर क्या होता है, रिपीट होता है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x इज इक्वल टू 10 × 10 100 एंड x इज इक्वल टू 100/5। दैट मीन्स x हमारा कितना आ रहा है, 20। सिमिलरली यहाँ पर भी 5, 1/4 कितना देता है, 21/4। 7 एंड थर्ड प्रोपोर्शन लिखेंगे, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसमें 7 रिपीट होगा, 21/4/7 इज इक्वल टू 7/x। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, कैंसिलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x is equal to 7/4 = 28, so x is equal to 28/3, which we can write 9/1/3. Let's see our next question. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मैं पिक कर रहा हूँ पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3। हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शन दोनों में। इसके लिए पहले लिख लेते हैं, लेट द मीन प्रोपोर्शन बी एक्स हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो। नाउ जब हमने लिखा था कि ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो बी हमारा क्या था, मीन प्रोपोर्शन। सो यहाँ पर एक्स इसके मिडिल में और यहाँ पर भी हम मिडिल में लिखेंगे, सो 5, x, 80। अब हम कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन लगाते हैं इसमें, सो मिडिल नंबर रिपीट होता है, 5/x इज इक्वल टू 5/80। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 × 80 = 400। सो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400। यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिलती हैं, x इज इक्वल टू ±20, जिसमें -20 हम नेगलेक्ट कर देंगे, सो आंसर हमारा है x इज इक्वल टू 20। यहाँ पर भी
एक्स को मिडिल में लिखेंगे और फिर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक्स को रिपीट लिखा है हमने दो बार, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8.1 इंटू 2.5, सो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8.1 इंटू 2.5। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पॉइंट साइन हटाते हैं यहां पर, सो नीचे 100 आ जाएगा। नाउ वी नो किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए उसके पेयर में से एक नंबर आता है बाहर, तो 81 हमारा 9 का पेयर है, 25 5 का पेयर है और 100 10 का पेयर है, सो यहाँ पर आएगा 9 इंटू 5 अपॉन 10, दिस गिव्स 45 अपॉन 10, सो हमारा आंसर है 4.5। सो 4.5 यहाँ पर मेन प्रोपोर्शन है 8.1 और 2.5 के बीच में, और यहाँ पर 20 है मेन प्रोपोर्शन 5 और 80 के बीच में। यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है, इसमें हमने मेन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को करा और समझा इसका वर्किंग रूल क्या है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।